ऐसे प्लांट्स जो घर में रखने बहुत ही ज़्यादा अच्छे शुभ और बेनिफिशियल होते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा प्लांट है लक्ष्मी कमल। लक्ष्मी कमल जो है वो एक बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट है और वो अपनी खूबसूरती और सकलेंट प्लांट्स के लिए जाना जाता है, जिसको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है और ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा होता है और ये आर्थिक तंगी को दूर करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्लांट की ओर। हमारा प्लांट है बीटल प्लांट। बीटल प्लांट का फैमिली नेम है पिपर एसियल और इसके बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि पान के पत्ते खाने से डाइजेशन की समस्या दूर होती है, हाई ब्लड प्रेशर में ये फायदा करता है, एंटी कैंसर एजेंट है और एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट भी है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा, ये है जूड प्लांट, इसको फ्रेंडशिप ट्री भी कहते हैं, मनी प्लांट भी कहते हैं, ये क्रोसोला ओटावा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी एक और वैरायटी है जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी जूड प्लांट है और इसको घर में रखने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। वास्तु के अनुसार ये प्लांट भी बहुत अधिक शुभ है। ये है मॉसेस इन द क्रेडल प्लांट और इसको सीप का पौधा, बोटली का पौधा भी कहते हैं। 1788 में इसको औषधि के रूप में डिस्कवर किया गया था और इसका बॉटनिकल नेम है ट्रांस कैडेडिया स्पोथेसिया। जो हमारा इंडोर प्लांट है वो है ये हमारा कैक्टस का प्लांट। कैक्टस जो है वो नागफनी का पौधा कहा जाता है और इसका जो फैमिली है वो कैक्टियसे है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा तुलसी का प्लांट। तुलसी का प्लांट को बेसल का प्लांट भी कहते हैं, इसको ऑसीमम सेक्टम के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है और इसको उत्तर पूर्व की दिशा में रखना सर्वोत्तम है। इसको 6 से लेकर 8 घंटे की धूप आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा पौधा है एडिनियम का प्लांट। एडिनियम प्लांट को डेजर्ट लीव्स भी कहते हैं और ये इंडोर स्लो ग्लोइंग प्लांट है। विभिन्न फूलों के रंगों का बड़े पैमाने पर संस्करण किया जाता है। हमारा प्लांट है क्रोटन का प्लांट। क्रोटन के प्लांट की लीव्स जो होती हैं ये कलर्ड होती हैं, ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है और इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। लेस सनलाइट में भी क्रोटन का पौधा जो है वो फ़ायदा करता है। जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं वो हार्मफुल गैसेस को अपने अंदर से रिमूव करते हैं, जैसे मिथिलीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है और इससे जो है हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, टॉलिन है। नेक्स्ट हमारा इंडोर प्लांट है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा भी अलग अलग पत्तियों के कलर्स में अवेलेबल है मार्केट में और इसको मनी यानी कि ग्रोइंग अगर ये आप अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। शमी का पेड़, और शमी का पेड़ लगाने से शनि दोष खत्म होता है और इसको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी इसके लिए अच्छी है। ये है एलोवेरा का पेड़। एलोवेरा का पेड़ घर में लगाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्किन के लिए ये अच्छा है और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि एलोवेरा, इसका जो पत्ता है बहुत अधिक जूसी होता है और इसके अंदर का जो पल्प है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है।